मैच स्टार्ट। रामगढ़ बॉलिंग करेगी और रामबास चेज करेगी 101 रन। पहली बॉल 150 दो जगह चल रहा हूं, अभी चल रहा हूं। पहली बॉल वाइड बॉल, मैच अपलोड हो रहा है जो पिछले में था। इसे अतिरिक्त रन के साथ में खाता खोला है रामबाग टीम ने। जीतने के लिए राम राइट आर्म ओवर द विकेट कोविड बॉक्स से। इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक खेलकर एक रन इस बार टर्न किया है एक रन के लिए। हेलो हाँ भाई, भाई राम राम, अभी एक हफ्ता लगेगा। अरे बहुत ही अच्छा परमानेंट टर्न किया है बॉल को, स्लिप कॉर्नर में जाकर फील्ड किया एक रन लेने का मौका। तो फिर ही लाऊं भाई, चल अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तेरे फोन कर एक रन का और ही जाता अनवर के लिए। पैर से आकर बॉल टकराई, एक लेग बाय का रन। वर्तमान आगे बढ़ाते हुए सौरभ के लिए और इस बार फिर कट किया है, फिंगर मौजूद है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 7 रन। 100 रुपए का सेकंड ओवर स्टार्ट कर दिया जाएगा। बॉलिंग पर है अनिल, अनिल 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 दूर वाले छोर से पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। सौरभ ने इसको टर्न किया है, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर ही दो रन मिट्टी से सौरभ के लिए। और इस बार दो खिलाड़ियों के बीच में से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और 6 रन। इस बार अच्छी बॉल पूरी तरह से बल्लेबाज को चपाती हुई विकेट कीपर के दस्त। और इस बार सौरभ ने निकाल दिया है एक रन के लिए जमाए हुए और अब अनवर सामने विकेट कीपर को चकाती हुई बॉल थर्ड मैन पर एक बाई का गुड बॉल अनिल द्वारा। एक बार फिर सौरभ के लिए गुड बॉल, फिर चकमा देती हुई। दो ओवर की समाप्ति पर 15 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार शॉर्ट साइड में खेला एक रन। सामना करेंगे डिफेंस का, दूसरी बॉल डालते हैं हम स्लो और आगे बढ़कर उसको काफी अच्छी बॉल। सीधा बॉलर्स की तरफ खेला बिना किसी रन के दीपेश राइट हैंड ओवर द विकेट। छपाती हुई बॉल, 4 बॉल डॉट। बॉलर्स की तरफ खेला एक रन का और इजाफा। क्या हो रहा भाई? और ये
बहुत ही खराब बॉल जिसको कह सकते हैं, फुल टॉस पर ड्राइव किया था, एक रन का ओवर हो जाता। तीन ओवर की समाप्ति पर कुल 18 रन, लगभग कह सकते हैं ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वाइड बॉल, लेग स्टंप के बाहर बॉल, एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, इस बार शॉट मिड ऑफ पर फील्ड किया। आउट, बिल्कुल सीधी जाती हुई बॉल, बैट को हवा में, नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज रिंकू आए हैं सौरभ का स्थान लेने के लिए, सामना करेंगे। अच्छी बॉल पूरी तरह से लगातार दो बॉल पर दो विकेट, लगातार दो बॉलों पर दो विकेट, और ये अब हैट्रिक चांस पर है, देखते हैं वो अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं। दो लगातार बॉलों पर दो विकेट लेकर के सनसनी पैदा कर दी है मैच में, और अब शो कब सामना करेंगे। इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला है, हैट्रिक से रह गए बॉलर, चार रन। और ये अनिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं, बल्लेबाज ध्यान दे, मैदान के काफी अच्छा बॉलर है बल्लेबाज अनिल, बहुत अच्छी स्विंग डालता है बॉलर्स मैन। इस बार खेल दिया है, बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड किया, एक रन। दोनों बल्लेबाज पिच के पिच में, इस बार टर्न किया है एक रन के लिए, गुड बॉल, इस एक रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। ना करेंगे बल्लेबाज शौकत, और इसको उठा दिया है, बॉल जा रही है, फील्डर ने फील्ड किया, एक रन लेने का मौका। अगली बॉल, इस बार दो रन का और इजाफा, और वहां पर मिस्टर ने तीसरा रन भाग करके पूरा किया। मारा है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, ये दूसरा जिला इस चौके के साथ में स्कोर जा पहुंचा 36 रन। तारी का छठा ओवर लेकर आ रहे हैं परम दूर वाले छोर से, इस बार अच्छी बॉल पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट किया, अपने पिछले ओवर में दो सफलताएं हासिल की थी परम ने, दो खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया था। अगली बॉल, इस बार एक रन के लिए खेला 22 रन,
एक रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। अभी शौकत, अरे शौकत, वीरेंद्र, और उसको खेल दिया है, बॉल जा रहा है बाउंड्री में। पूरी तरह से नजर खोल कर सामना करेंगे अनिल का। इस बार फिर अच्छी बॉल, कोई बात नहीं, याद कर दूंगा एक टीप सा। एक रन का सीधा आठवां ओवर लेकर आ रहे हैं दूर वाले छोर से सूरज, सामना करेंगे बल्लेबाज वीरेंद्र। इस बार एक वाइड बॉल का इशारा, अगली बॉल सूरज की, फिर वाइड बॉल ऑफ स्टंप के काट, और इस बार टर्न किया है स्लिप करने में मिसफील्ड हुआ, एक रन दौड़ कर पूरा किया दोनों रन, और इस बार उठा कर मारा है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, और चार रन इस चौके के साथ में इसको। अगली बॉल वीरेंद्र के लिए, अच्छी फील्डिंग और रन आउट हो गए हैं। इसमें कट किया है, लेकिन अच्छी भी नहीं, वाइड बॉल, एक रन का और जब अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल पूरी तरह से बल्लेबाज का छपाती हुई, गोविंदगढ़ को चार ओवरों में 44 रनों की और जरूरत है, चार ओवर बाकी है 44। मुश्किल तो नहीं है लेकिन काफी कठिन काम सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। बॉलर्स ने है इरफान, और लगभग और आउट,
फोर्थ ब्लाइंड की अपील की जा रही है। अच्छी फील्डिंग, एक रन का और इजाफा। उसको खेल दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के साथ, चार रन। इस चौके के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 65। और बॉल बाउंड्री लाइन, कर दिया है, एक रन भाग कर पूरा कर रहे हैं, दूसरे के लिए लौट रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा हुआ। और इसको उठा लिया है, नौ रन की दिशा में बॉल जा रही है, फील्ड किया गया है, एक रन भाग कर पूरा किया, डॉट बॉल निकालने होंगे, विकेट हासिल करने होंगे। बाहर अच्छी बॉल, एक डॉट बॉल निकलती हुई, खेल दिया है, बॉल जा रही है, दूसरा बाउंड्री पर फील गया। फील्डर के ऊपर से बॉल को निकाल दिया है, बॉल बाउंड्री लाइन के एक तरफ जा रही है। और चार रन का इशारा, जीतने के लिए 23 रन और चाहिए, एक रन का और इजाफा। इस एक रन के साथ 79 रन, सूरज सामना करेंगे इस बार। मैच में टाइम का विशेष ध्यान रखें, परम 12वां ओवर लेकर आ रहे हैं, परम अपने ओवर को बढ़ाते हुए। इस ओवर के बाद में एक ओवर का खेल और बाकी है, और इस बार उठा दिया है,
कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। दो रन बाद करके पूरे किए। अगली बॉल परम की अगली बॉल और वाइड बॉल इसे एक अतिरिक्त रन इसको खेल दिया है। दो रन भाग करके पूरे किए। इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन 85। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। अब अंतिम 6 बॉलों का खेल बाकी है जीतने के लिए। अभी भी 16 रन चाहिए 6 बॉलों पर। 6 बॉल रिमेन 16 रन रिक्वायर्ड। चाय पानी का इंतजाम करना है। अंतिम 6 बॉलों का खेल बाकी है जीतने के लिए। रामबास टीम को 16 रन की दरकरार है और ये 10 बॉल निकलती हुई। हम धीरे धीरे लक्ष्य खासा फिर एक बैट बॉल निकलते हुए 4 बॉल 16 रन। लगातार 4 बॉलों पर 4 चौके या 2 छक्के और 1 चौका या 3 छक्के काफी कठिन काम। और इस बार 9 रन की दिशा में खेलकर 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 86 रन। अभी भी जीतने के लिए 15 रन की आवश्यकता है 3 बॉलों पर। मात्र औपचारिकताएं बाकी इस मैच की और सीधा बॉलर्स की तरफ खेला। अब अंतिम 2 बॉल का खेल बाकी है। मात्र औपचारिकताएं इस मैच की बाकी है। एक डॉट बॉल निकलती हुई और इस तरीके से लगभग लगभग रामगढ़ की टीम ने यह मैच अपने कब्जे में कर लिया है। और ये रामगढ़ ने मैच जीत लिया है।